तो क्या जी उसे यहाँ पर रामेज का साथ देंगे यहाँ पर ब्लड लाइन से फाइट करने के लिए। उसके बाद यहाँ पर रामेज ने क्या कहा पॉल ह्यूमन के बारे में, अगर पॉल ह्यूमन होते तो। उसके बाद गाइस नेक्स्ट इनमें से आखिर किस रेसलर का यहाँ पर रिटर्न होने वाला है इस बार के क्राउन ज्वेल में। उसके बाद गाइस इस बार का जो रेसलमेनिया मैच होने वाला था उसका यहाँ पर प्लेस चेंज करके यहाँ पर लंदन में करवाया जाएगा। तो गाइस और भी काफी इंटरेस्टिंग अपडेट है जिसके बारे में हम आगे की वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले मेक श्योर वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लो हर रोज ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए। तो गाइस सबसे पहले बात कर लेते हैं रेसलमेनिया 41 के बारे में। इस बार का जो रेसलमेनिया मैच था वो यहाँ पर लास वेगास में होने वाला था यानी कि अमेरिका में, पर उस जगह को चेंज कर यहाँ पर लंदन में होस्ट करवाया जा रहा है। ये शायद से यहाँ पर पहला इवेंट होगा इस बार का। उसके बाद नेक्स्ट इस बार के सर्वाइवर सीरीज में काफी सारे चेंजेस देखने को मिलने वाला है। इस बार का जो सर्वाइवर सीरीज मैच होगा इसमें यहाँ पर स्मैकडाउन वर्सेस रॉ रेसलर के बीच फाइट देखने को मिलेगा और उसके साथ साथ एक मैच और देखने को मिलेगा यहाँ पर ओल्ड ब्लड लाइन वर्सेस न्यू ब्लड लाइन के बीच। वैसे इस बार का जो सर्वाइवर सीरीज मैच होगा वो होगा यहाँ पर 30 नवंबर को। उसके बाद गाइस नेक्स्ट जब यहाँ पर जी उसे रामेज को बैक स्टेज मिले थे तो यहाँ पर रामेज उनको कन्विंस करने की कोशिश कर रहे थे पर उन्होंने यहाँ पर नो इट कर दिया उनको। हालांकि यहाँ पर जी उसो के फेस से ऐसा देखने को मिल रहा था शायद से वहाँ पर नहीं मानने वाले, वो रामेज का साथ नहीं देंगे। उसके बाद गाइस अब तक का सबसे बड़ा ब्रेकिंग न्यूज है यहाँ पर ले मॉर्गन को लेकर। ले मॉर्गन ने यहाँ पर एक टेस्ला कार खरीद लिया है, हाँ वही टेस्ला कार जो यहाँ पर इलॉन मस्क ने यहाँ पर लॉन्च किया था। और वैसे गाइस ये कार काफी ज्यादा ही इंटरेस्टिंग लग रहा है। उसके बाद गाइस इस बार के स्मैकडाउन पे सोलो सिको ने जिस प्रकार यहाँ पर रामेज को डिस्ट्रॉय कर दिया उसे देखकर साथ यही पता चलता है कि सोलो सिको यहाँ पर रामेज का एक बात भी नहीं मानने वाले और वो आने वाले समय में और पूरी तरह से यहाँ पर इनके बीच राइवलरी दिखाने वाले हैं। और रामेज ने इसी स्मैकडाउन पर कहा पॉल ह्यूमन के बारे में कि वो पॉल ह्यूमन को काफी मिस कर रहे हैं, अगर वो होते तो यहाँ पर सारी प्रॉब्लम की जड़ सॉल्व कर देते। वैसे गाइस पॉल ह्यूमन के बारे में अभी कोई भी अपडेट नहीं है, शायद से अभी पॉल ह्यूमन एक दो महीने के लिए और भी ऑफ होने वाले हैं। उसके बाद नेक्स्ट इस बार के स्मैकडाउन में यहाँ पर मशीन गन का यहाँ पर डेब्यू देखने को मिला, उनका पहला टैग टीम मैच था, उन्होंने यहाँ पर काफी आसानी से जीत भी लिया। उसके बाद नेक्स्ट कालीटोस का ऐसा मानना है कि वो यहाँ पर जजमेंट डे को छोड़ने वाले हैं और वहाँ पर अपना सिंगल पोस्ट पाना चाहते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई की तरफ से। ऐसे गाइस कालीटोस काफी कम ही देखने को मिलते हैं यहाँ पर किसी भी इवेंट में, पर यहाँ पर जब डब्ल्यूडब्ल्यूई का बड़ा इवेंट होता है शायद वहाँ पर देखने को मिलते हैं। उसके बाद गाइस नेक्स्ट इनमें से आखिर अगला किसका रिटर्न होगा, क्या यहाँ पर ब्रॉक लेसनर का रिटर्न होगा या फिर यहाँ पर चार्लेट पेयर या फिर बेकी लिंच या फिर यहाँ पर एजे स्टाइल। तो हमें लगता है यहाँ पर सबसे पहले जिसका रिटर्न देखने को मिलेगा यहाँ पर चार्लेट पेयर। वैसे चार्लेट पेयर काफी समय पहले यहाँ पर मेडिकली क्लियर हो चुके हैं। उसके बाद गाइस नेक्स्ट आप ये देख सकते हैं ये जो फोटोज है ये सोलो सिको के क्लासमेट के, यहाँ पर सोलो सिको के जो क्लासमेट थे यहाँ पर ट्रिफनी स्टेटस भी थी उनके साथ। ये फोटोज है जब उन्होंने यहाँ पर किसी गेम में पार्टिसिपेट किया था एक साथ। उसके बाद गाइस नेक्स्ट यहाँ पर कोडी रोड ने यहाँ पर जॉन सिना के बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताया कि जॉन सिना ही केवल एकमात्र ऐसे रेसलर है जो यहाँ पर कैमरामैन से बात कर सकते हैं और यहाँ पर रेसलिंग में किसी को भी अलाउ नहीं है कि वहाँ पर कैमरामैन से बात कर सकते हैं। यहाँ पर जो ये डब्ल्यूडब्ल्यूई में कैमरा वाले भी होते हैं ये काफी मीडिया उडिया वाले भी होते हैं उसमें। उसके बाद गाइस लास्ट दो महीने का ये इवेंट बचा हुआ है जिनमें आप देख सकते हैं ये सारे मैचेस यहाँ पर अभी बचे हुए हैं जो कि यहाँ पर होने वाले हैं। और यहाँ पर स्मैकडाउन रॉ को छोड़कर इस बार यहाँ पर क्राउन ज्वेल होगा, उसके बाद यहाँ पर सर्वाइवर सीरीज, उसके बाद यहाँ पर रॉयल रंबल, उसके बाद रेसलमेनिया, ऐसे ऐसे सारे इवेंट हो गए। उसके बाद गाइस इस बार के स्मैकडाउन पे यहाँ पर रैंडी ऑर्टन ने यहाँ पर निक एल्डिस से मांग किया है कि वहाँ पर केविन ओवन को फेस करना चाहते हैं क्राउन ज्वेल में, पर निक एल्डिस ऐसा करने से साफ मना कर देते हैं, उनसे बोलते हैं कि उनको यहाँ पर अलाउ नहीं है ये सब करने के लिए। फिर वहाँ से रैंडी ऑर्टन चले जाते हैं और उनसे बोलते हैं कि अब मुझे पता है कि आखिर क्या करना है। उसके बाद गाइस नेक्स्ट यहाँ पर मशीन मोटर गन का ये पहला टी शर्ट है आप देख सकते हैं। उसके बाद गाइस नेक्स्ट इस बार के स्मैकडाउन पे यहाँ पर माइकल कोल यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई में एक बार फिर से एब्सेंट देखने को मिले, ये दूसरा तीसरा इनका इवेंट ये मिस हो रहा है। इसके पीछे का थोड़ा सा यहाँ पर रीजन भी बाहर निकल गया है, यहाँ पर उनका मानना था किसी यहाँ पर इम्पोर्टेंट असाइनमेंट की वजह से वो बाहर गए थे और जिसकी वजह से वो इस बार का यहाँ पर स्मैकडाउन यहाँ पर प्रेजेंट नहीं हो पाए। उसके बाद नेक्स्ट आज का लास्ट और फाइनल अपडेट यहाँ पर सेथ रॉलिंस को लेकर है। तो गाइस फाइनली यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ये कंफर्म कर दिया कि सेथ रॉलिंस यहाँ पर फेस करेंगे यहाँ पर ब्रॉन्सन रेड को एक बार फिर से इस बार के मंडे नाइट रॉ पर। तो गाइस यही रहे आज के सारे अपडेट जो कि हमने इस वीडियो के माध्यम से देखा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून।